ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, एक नहीं दो वीडियो कवर कर चुका हूँ बिहार ऑडिटर से। देन सो बच्चे कुछ कमेंट आ रहा है एंड इसमें मैं कुछ ब्रीफली सिलेबस डिस्कशन करूँगा स्पेशली फॉर प्री एग्जाम का। सो आप लोग मेरे साथ बने रहे। मैंने दो वीडियो एक दो वीडियो कमेंट लिया था, एक वीडियो आफ्टर सिलेक्शन के बाद बेसिकली कौन सा काम करवाया जाता है वो मैं वो भी वीडियो बनाया था, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एंड हो सकता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं अभी जो चीज़ बताऊंगा वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। सो देखते हैं आगे की ओर। और आपका भी कोई कमेंट है तो बेहिचक कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। जिस तरह मैं इन सबको दे रहा हूँ तो आपका भी रिप्लाई दूंगा। अगर देखते हैं तो मैंने ये वीडियो बनाया था और इस ये वीडियो आप सर्च करके 24 स्टडी सेंटर या BPSC ऑडिटर रिक्वायरमेंट लिखोगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद कौन सा काम करवाया जाएगा एंड आपका ब्रीफली सिलेबस इसी वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। सो इसमें हम देखते हैं कुछ बच्चे कमेंट आ रहा है। पहला कमेंट है 10 घंटा पहले रमेश का कि सर प्रीलिम एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो मैंने काफ़ी सारा बच्चा का एक ही क्वेश्चन था कि प्री एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो प्री एग्ज़ाम सो गाइस मैं रमेश आपको बता दूँ कि सिलेबस जो आपका सिलेबस है मैं इसी वीडियो का कवर करके आपको इस वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा। बाकी आपको इस वीडियो में जो है इस वीडियो में भी मिल जाएगा एंड इस वीडियो में दो चीज़ मिल जाएगा कि सिलेक्शन के बाद कौन सा काम करवाया जाएगा, ठीक है। एंड आगे देखते हैं राम शंकर सिंह का, देखते हैं सर डिटेल सिलेबस बताइए प्लीज़, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुड राम शंकर, मैं इसमें आप लोग को सिलेबस बता रहा हूँ। सो आप लोग देखिएगा जरूर इस वीडियो को लास्ट टू लास्ट तक एंड अपने फ्रेंड एंड अपने मित्र को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कोई डाउट हो तो मैं ले सकूँ। सो अगला देखते हैं सबको सिलेबस सर प्री का सिलेबस। तो कुल मिला के मैंने आज मॉर्निंग में ही देखा था तो मैंने मॉर्निंग से ही थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब होने के कारण से मैं सोच रहा था कि सुबह में अपलोड करूँ मगर नहीं कर पाए किसी कारण वजह से। सो मैं अब अपलोड कर दूँगा। सो उनका भी सिलेबस चाहिए तो डोंट वरी, मैं सिलेबस अभी आप लोग को बताऊँगा। एंड इनका लेता हूँ लास्ट कमेंट, BCOM वाले को कोई दिक्कत तो नहीं आना फॉर्म फिल करने में के? नहीं जी, ये स्पेशली फॉर्म आप लोग के लिए ही है बिहार ऑडिटर। मैंने उस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत जहाँ आप लोग देखे भी होंगे या अच्छा से देखिए, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ इसमें कवर किया हूँ। और नेक्स्ट क्रम सर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए, मैंने ऑलरेडी ये कमेंट ले चुका था। सो यहाँ से कुछ कमेंट नहीं है, सो सबका एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सिलेबस क्या है सिलेबस क्या है। सो देखते हैं सिलेबस की ओर। और सिलेबस से पहले मैं बात करूँ यहाँ पे तो कुछ BPSC और मैं प्री एग्ज़ाम बेसिकली मैंने कवर किया हूँ, मेंस नहीं कवर किया हूँ। आप लोग मेंस के लिए बोलोगे तो मैं मेंस भी कवर करूँगा। सो मेरे पास BPSC का आपके पास मेरे पास प्रीवियस ईयर है गाइस, सो इसी कारण से मैं प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ हाँ BPSC के लिए। बट उसमें कुछ आपका जो मैं टॉपिक डिस्कशन करूँगा क्योंकि वो दो टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा BPSC का प्रीवियस ईयर में। सो यहाँ पे है कि आप लोग का क्वेश्चन है टोटल 150 मार्क का होगा जैसे कि और सबका होता है एंड 2 घंटा का होता है जैसे कि और BPSC कंडक्ट करवाती है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, ये सब चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। एंड जनरल स्टडी होगा, ये मतलब GK का पार्ट होगा इसमें ओनली फॉर। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और ले हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम बात करें टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैं ब्रीफली सिलेबस भी डिस्कशन करूँगा। एंड एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटा का होगा एंड क्वेश्चन का बात करें तो 150 क्वेश्चन होगा एंड मैक्सिमम क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसमें बहुत बच्चे सारा क्वेश्चन करके आएंगे बट इसमें 5 क्वेश्चन होता है, यही तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाता है गाइस, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है ना, बट प्रॉब्लम एक चीज़ हो जाता है कि इसमें गाइस कि यहाँ पे 5 जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट मतलब एक क्वेश्चन पे 5 को है ना उसका वो दे दिया जाता है चॉइस आंसर। सो जिसके कारण से प्रॉब्लम होता है, तो इसमें प्योरीफाई चाहिए, जितना प्योरीफाई होगा देन आप सिलेक्शन की चांस ज़्यादा हो सकता है BPSC में, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड ये आपका एक सिलेबस है एंड मैंने एक PDF के माध्यम से भी सिलेबस किया हूँ, तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आपका सिलेबस में आएगा एंड नोट डाउन भी कर सकते हैं। बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पर भी दे दूँगा एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा और प्लीज़ अपने मित्र को जरूर कीजिएगा। एंड गाइस मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो आपका है सिलेबस की मैं बात करूँ तो जनरल साइंस है, ठीक है, और साइंस का पार्ट में सबसे ज़्यादा बायो का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। क्यों बायो का पोर्शन आता है, रीज़न ये है कि आप लोग तो मान लीजिए फिजिक्स के बच्चे भी होते, मान लीजिए इसमें तो नहीं होना चाहिए बट साइंस का पोर्शन आप में से ही आएगा क्योंकि वहाँ पे साइंस जैसे एक BPSC होते हैं वहाँ साइंस का पोर्शन 30 नंबर का आता है, तो यहाँ पे आपको साइंस का पोर्शन हर में से सेम ही सेम आएगा। क्यों इसमें से आएगा, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा साइंस से कम वाकिफ होंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ क्योंकि यहाँ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इस फॉर्म फिल तो फिल नहीं करेंगे, स्पेशली फॉर BCOM वाले बच्चे ही होंगे। एंड नेशनल करेंट इवेंट का क्वेश्चन है, सो इस चीज़ को देखें इंटरनेशनल करेंट इवेंट स्पेशली अगर आप लोग मुझे बोलिएगा तो मैं इसका दोनों का क्वेश्चन स्पेशली मैं बना सकता हूँ। एंड इंडियन हिस्ट्री आएगा,
इंडियन पॉलिटी आएगा, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है और इंडियन कल्चर थोड़ा सा कम देखना है, बट ये दोनों पार्ट को अच्छा से देखना है। इससे 10 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा एंड इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो इस वाले पार्ट को कुछ ज़्यादा आप लोगों को कवर करना है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ बात करें बिहार हिस्ट्री तो 100% देख के जाना है, चाहे आप कोई और चीज़ सोचो एंड बिहार हिस्ट्री, बिहार करेंट अफेयर थोड़ा सा रुक जाएगा सही है, बट बिहार हिस्ट्री को जरूर कवर करना है, बिहार का करेंट अफेयर ठीक है, और बिहार की इवेंट करेंट इवेंट क्या हुआ है, करेंट इवेंट पढ़ना है, और बिहार का इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, ये तो आप लोग का ही मेन है, तो इसके बारे में आप लोग को पूरा होना चाहिए एंड फाइनेंशियल कंडीशन पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, नेशनल मूवमेंट ऑफ बिहार ये चीज़ आपके बारे में पूरा, ये 3 पोर्शन तो आपको एकदम पूरा फुल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपका जो सिलेक्शन होगा बेसिकली मैंने ऑलरेडी कवर किया था क्या काम करवा जाएगा, बेसिकली इसी पे आपका काम जो होगा डिपेंड होगा, तो सो इसके बारे में आप लोग को अगर नॉलेज नहीं होगा तो क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे ये चीज़ पूछेगा, तो इसीलिए आपके पास इसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, सो ये सब होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं बता दिया था कि हिस्ट्री बिहार का एंड इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा होना चाहिए एंड थोड़ा सा गुप्त वंश एंड मौर्या वंश दो चीज़ मौर्य काल सॉरी वो दो चीज़ आपको अच्छा सा कवर होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा तो कुछ ही आपका एक टॉपिक है मैं बता दूँ, हिस्ट्री है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक तरह से वैदिक कल्चर वगैरह नहीं पढ़ना है मेरे ख्याल से, बाकी आपके पास टाइम है तो पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेबस बनता है। एंड ज्योग्राफी में बात करें तो बिहार के ज्योग्राफी बिहार के सॉयल वगैरह पढ़ना है एंड बिहार के बारे में थोड़ा सा और ज्योग्राफी के बारे में बिहार के बिहार का हिस्ट्री भी बता दिया जिसमें शायद बिहार का हिस्ट्री नहीं मेंशन हुआ गया, तो इसमें ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, और बिहार के ज्योग्राफी में बताया बिहार का आपका सॉइल का जो मिट्टी है एंड जो कौन कौन सा पहाड़ी है झील थोड़ा सा एंड कौन कौन सा आपका जैसे वाल्मीकि वगैरह है पूर्वी चंपारण वगैरह में, तो सो आप लोग को ये सब चीज़ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बिहार के बारे में, बिहार की नदी थोड़ा सा ये सब बिहार की नदी से 100% क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक्स आपका ये तो फेवरेट होना चाहिए, इसमें जितना आपका इंटरेस्ट आएगा आपका सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यही आपका जो आगे है आपके मेरे ख्याल से काम इसी वर्क पे करना है, तो इसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए एंड पॉलिटी के बारे में फंडामेंटल डिटेल्स एंड जो शुरू का आप कुछ जो है आपका फंडामेंटल वगैरह फंडामेंटल राइट वगैरह ये सब चीज़ें 100% क्वेश्चन आता है, एंड राष्ट्रपति से थोड़ा सा आपका सुप्रीम कोर्ट से वगैरह से ये कुछ आता है। सो कुछ यहाँ पे आप लोग का सिलेबस है बायोलॉजी वगैरह का, यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, और फिजिक्स का कुछ है यहाँ पे ऐसा यूनिट वगैरह, कुछ यहाँ पे आप लोग का करेंट अफेयर है यहाँ पे जो आप लोग आता है स्पोर्ट्स से आ जाता है, बट स्पोर्ट्स का कोर्स बहुत बड़ा है। सो गैस कुछ आज के लिए बस यही था, सो थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, एंड इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, बाय बाय गाइस।